नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आप सबके लिए आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीर का अक्टूबर वायदा 6116 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है। रूपा जी देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सीर का वायदा बाजार आज एक हल्की सी करेक्शन पर है, लेकिन देख रहे हैं कि 6100 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी अब आपको क्या लगता है कैसे सीर में जो 6500 के लेवल्स हैं ये कब तक अचीव होते हुए नजर आ जाएंगे? देखिए तेजी तो है आपके लिए, अभी लेवल जो है आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अपसाइड बना रह सकता है। थोड़ा बहुत उठा पड़ा का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है और अभी भी बाजार जो है थोड़ा सा गिरावट जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। नीचे यहाँ से लुटता भी है तो 6080 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे जी। रूपा जी बात करें अगर बिनौला कल की तो देख रहे हैं कि 2543 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आज भी 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है क्या इस कारोबारी सप्ताह बिनौला कल का दिसंबर वायदा 2600 का लेवल दिखाने में कामयाब हो पाएगा? देखिए बिल्कुल बिनौला खल में भी तेजी है और 2600 के ऊपर बिनौला खल भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है अब यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल के लिए मान के चलिए कि 2600 तक ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये सर रूपा जी बात करेंगे चने की तो चने में हमने कल भी देखा है कि 5200 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिले। अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से चने का वायदा बाजार काफी हफ्तों से 5200 पर ही अटका हुआ है, तो त्योहारी सीजन है, त्योहारी मांग भी, लेकिन उसके बावजूद भी देखने की चने की कीमतों में तेजी बनती भी नजर नहीं आ रही है। 5500, 5600, 6000 वाले लेवल्स अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है क्या दिवाली आते आते चने के अंदर कुछ बढ़त देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी फिलहाल जो है बाजार काफी रेंज बाउंड है क्योंकि चने के अंदर जिस तरीके से प्राइस के अंदर पहले बूस्ट आते हुए देखा था वो फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अभी भी यहाँ से बाजारों के अंदर बाजार जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बाजारों के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होने की है, रेंज दायरे में बाजार जो एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि आज कुछ बढ़त बनती हुई नजर आई है। अब आपको क्या लगता है जिस हिसाब से मसालों में एक बार फिर से खरीदारी लौटी है ये जो खरीदारी है कब तक जारी रह सकती है? देखिए मसालों के अंदर अभी पैसे और सीजन का डिमांड पिकअप हुआ है और उस वजह से खरीदारी लौटी है और ये खरीदारी अभी लगता है कि अक्टूबर वाला जो वायदा है इसमें बनी रह सकती है। हल्दी की बात करें तो ऊपर में 7500 से 7800 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर धनी की बात करें तो धनी में भी तेजी का ही रुझान है, धनिया भी 8000 के ऊपर अब वापिस से आ चुका है, सस्टेनेबिलिटी है और यहाँ से 8500 से लेकर 8500 का स्तर देखने को मिल सकता है जी। तो यानी कि मसालों में जो खरीदारी है एक बार फिर से लौटती हुई नजर आई है। रूपा जी के अनुसार मसालों में जो खरीदारी है ये त्योहारी सीजन जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ये पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, जो डिमांड है वो पिकअप हुई है और दूसरा जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है मसालों की कीमतों के अंदर, जिसकी वजह से मसालों में एक अच्छी खासी तेजी अभी देखने को मिल रही है जो कि अभी तक आगे भी जारी रह सकती है। इसे रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज कुछ हल्की नरमी के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है क्या इंटरडे के अंदर ये नरमी तेजी में बदलती हुई नजर आ पाएगी जिस हिसाब से देख रहे हैं कि क्रूड में भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए ग्वार में अभी फिलहाल जो है उठापटक का माहौल काफी देखने को मिल रहा है, तेजी के बाद वापिस से बाजार 10000 के नीचे लुढ़क चुका है, तो इसमें देखिए जो रणनीति होनी चाहिए वो निचले स्तर पर खरीदारी के ऊपर स्तर पर लेकर प्रॉफिट बुक करने की, लेकिन जब तक ये 10500 रुपए के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं देता तब तक लंबी तेजी में नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए गिरावट भी नहीं है। तो अभी जो ये गिरावट देखने को मिल रही है आज इसमें मुझे लगता है कि एक बार नीचे में हो सकता है आपको 9600 से लेकर 9580 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे, तो इन लेवल्स के आसपास बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। आज इंटरडे में फर्स्ट हाफ में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी नजर डालें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं कि आज कुछ हल्की नरमी के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है एडिबल ऑयल पैक का बाजार। अब आपको क्या लगता है क्या आज इंटरडे में खाद्य तेलों के अंदर नरमी वाला रुख देखने को मिलेगा या फिर ये नरमी तेजी में तब्दील हो सकती है? देखिए जो अभी बात करें अगर हम एडिबल ऑयल पैक की, जो एडिबल ऑयल पैक में आज जरूर गिरावट है और आज इंट्राडे में गिरावट वाला माहौल रह सकता है क्योंकि अब ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव बनते हुए देखा है हमने, लेकिन जहां तक सोयाबीन की बात है और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में अब तेजी गायब हो चुकी है, वहां पर लगातार दबाव कंटिन्यूशन में रह सकता है। सरसों में उम्मीद की जा रही थी कि यहां से
प्राइजेस जो है वो बाउंस ले सकते हैं, लेकिन आज सरसों में भी गिरावट है। 8000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो ज्यादा गिरावट बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए 8000 एक अहम सपोर्ट है, अगर 8000 नहीं ब्रेक होता तो वापिस से तेजी की तरफ जा सकता है, अदरवाइज वहां से गिर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है अब नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड जरूर पिक हो सकती है, उसके अलावा इसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे सकती जी। ये सर रूपा जी आपसे जानना चाहेंगे, आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? और देखिए फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मसाले एक ऐसी कमोडिटी हो सकते हैं जो आगे तेजी की तरफ जा सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मसालों के अंदर बाइंग करके चला जा जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप इंटर डे के अंदर मसालों में खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मसालों में जो डिमांड है वो एकदम से पिकअप होती हुई नजर आई है, जो कि अभी तेजी में रह सकती है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही। नमस्कार।